हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं टच साउंड सेटिंग को कैसे इनेबल कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और साउंड एंड वाइब्रेट पर जाना है। तो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप आएंगे मोर साउंड एंड हेल्प प्लीज, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है टच साउंड। तो और जो सेटिंग्स हैं इनके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो टच साउंड को यहाँ से हम इनेबल कर देंगे, यानी कि ऑन कर देंगे। ऑन करते ही आप देख सकते हैं मैं जिस भी टीच को टच कर रहा हूँ तो उस पर साउंड आएगी। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ या फिर मैं इसको ओपन करता हूँ या फिर मैं कोई भी प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ, किसी भी चीज़ को ओपन करता हूँ तो इस पर साउंड आती है। तो इसको बोलते हैं टच साउंड। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।